कोरोना वायरस संक्रमण से जनजन को बचाने के लिए आरंभ किए गए लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा सत्र समापन के कुछ समय पूर्व ही विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई अधूरी रह गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन योजना आरंभ कर दी गई, जिसका असर चंबल के सुदूर गांवों में भी देखने को मिल रहा है। गांव में चुनिंदा लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं। ऐसे में खेड़ा हुसैनपुर शासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने इसे चुनौती मानते हुए अध्ययनरत 121 विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। परिजनों को जागरूक करते हुए 46 मोबाइल धारियों को सूचीबद्ध किया। शासन के भी ये निर्देश थे और मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के भी ये निर्देश थे कि डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग कराया जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा कंप्यूटर का सेटअप सभी जगह होता नहीं है, लेकिन और खास करके पाठकों के पास, बच्चों के पास नहीं होता है। स्कूलों में तो फिर भी हेडस्टार्ट स्कूल्स और कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मोबाइल फोन आज की डेट में बहुत ज्यादा एम्पावरिंग एक टूल हो गया है। तो अभी जो हमारे पहाड़गढ़ और अन्य बैकवर्ड जगह के लोग हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि उनको अगर कोई चीज एक्सप्लेन करना है वो उसका एक बहुत शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, वो जस्ट लाइक अ लेक्चर होता है, और उसको वो फिर स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के जो है उसमें वो फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसमें बेसिकली फोन्स तो माता पिता में से किसी एक का ही होता है और सिंपल जिसमें व्हाट्सएप चले। हम लोग किसी बड़े ऐप के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐप हर किसी के मोबाइल पे कई बार डाउनलोड नहीं हो पाता है और फिर कोई बच्चा छूट जाता है। क्लास के 50 बच्चे हैं, उसमें से दो अगर डाउनलोड नहीं कर पाए तो वो वंचित हो जाएंगे। लेकिन अमूमन मोबाइल फोन आस पड़ोस में प्रत्येक पे कोई ना किसी ना किसी के पास निकल जाता है और उनके माध्यम से जो है किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी क्योंकि ये शिक्षकों के लिए भी नया तरीका है पढ़ाने का, पाठ का, तो शिक्षा विभाग के तरफ से भी बहुत सारे ऑनलाइन मॉड्यूल्स दिए हैं। तो शिक्षक पहले उसको डाउनलोड करता है, उसमें से समझता है, सीखता है और फिर उसको शॉर्ट कोर्सेज में व्हाट्सएप के माध्यम से जो है बच्चों तक पहुंचा रहा है। इन मोबाइल धारियों से अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़कर शिक्षा अध्ययन आरंभ करा दिया गया। इनकी सतत निगरानी भी शिक्षकों द्वारा की जा रही है। शिक्षकों का यह कार्य जिले के अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा बन रहा है। इन विद्यार्थियों को पढ़ाई का भी ये तरीका अच्छा लग रहा है। वहीं मध्याह्न भोजन के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को सूखा राशन व निर्माण राशि के साथ वितरित किया जा रहा है। ई लर्निंग सिस्टम है, शासन जो चाहता था कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, तो हमने जो है शासन की मंशा के पालन में बर्डन में जो ग्रुप संचालित किए और उनसे सभी शिक्षकों को कक्षा शिक्षकों के माध्यम से जोड़ करके बच्चों को जोड़ा और पालकों से बात की। बात करके हमारा मुख्य मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा किसी भी कीमत पर रुके, तो शासन की मंशा के अनुसार अपन ने इसमें काम किया जिसके हमें सार्थक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में 147.84 रुपये प्राथमिक विद्यालय के जो भी पालक के खाते हैं उनमें ट्रांसफर की गई है शासन द्वारा, और माध्यमिक विद्यालय में 221.43 रुपये MS के बच्चों के खातों में ट्रांसफ़र की गई उनके अभिभावकों के। ये इसलिए जो बीमारी महामारी जो फैली हुई है उसकी वजह से ये शासन ने निर्णय लिया है तो उनके खातों में राशि ट्रांसफ़र की गई है और गेहूं और चावल घर घर जाके वितरण किए गए। गांव में सभी विद्यार्थी 1 से 2 घंटे निरंतर ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इन्हें अब ये काफी रास आने लगा है। अधूरी रही पढ़ाई को पूरा होते देख उत्साहित विद्यार्थी परीक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। वहीं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विद्यालय शिक्षकों से वीडियो व फोन कॉल कर समाधान कर लेते हैं। बच्चों को COVID-19 के तहत जो कुछ समस्याएं आ रही थी और विद्यालय समय से पहले क्या है बंद हो चुके थे, तो बच्चों की समस्याओं के निदान के लिए बच्चे कॉल करते हैं, कभी हम भी कॉल करते हैं इधर से, और बच्चों की समस्या निदान करने के लिए उनकी समस्या उनको एंड कर समाप्त कर देते हैं और बच्चे खुश रहते हैं।
पालक भी खुश है और आगे की व्यस्त पढ़ाई सुचारू रहे, इसीलिए हम उसे प्रतिदिन जुड़े ही रहते हैं, जिससे बच्चे व्यस्त रहें, उनको थोड़ी मायूसी ना हो और समय से स्कूल खुलेंगे, उनकी प्रक्रिया और चालू रखेंगे। कितने घंटे पढ़ते हो? 2-3 घंटे पढ़ते रोज। रोज तो ये गांव में जिसके पास एंड्रॉइड नहीं है वो कैसे पढ़ते हैं? वो एक दूसरे के घर आ जाते हैं और मोबाइल से पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ाई में तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। सीखने को मिलता है? हाँ, सीखने को मिलता है। ऑनलाइन शिक्षा का ये प्रसार इलाके के कई स्कूलों में देखने को मिल रहा है, जहाँ अब इसके माध्यम से पढ़ाई जारी है। वहीं अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों को पूर्ण पौष्टिकता मिलती रहे, इन विद्यार्थियों को शासन के नियमानुसार घर घर जाकर सूखा खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। साथ ही भोजन निर्माण पर व्यय होने वाली राशि अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, भोपाल।